नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है अल्पना आर्ट। जिस आर्ट को खासकर जमशेदपुर में किए गए हैं और ये दुर्गा पूजा पंडाल सीएच एरिया कमेटी के द्वारा करवाई गई है। और ये आर्ट, अल्पना आर्ट जो सड़कों पर इस तरह बेहतरीन आर्ट की प्रदर्शनी है कि जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि कई कलर, किस तरह से कलर का डिज़ाइन, किस तरह से कलर और उसके रंगों में एक अलग सी चटक। उसके साथ साथ आपको देखने को मिल रही होगी कि रंगों का कम्बिनेशन के साथ साथ आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि किस करीने से सजाया गया है अल्पना आर्ट को। और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये दुर्गा पूजा की सजावट और दुर्गा पूजा की जो सड़कें हैं, जो खास करके वहाँ पंडाल तक पहुँचती हैं, वो कितनी खूबसूरती से इस अल्पना आर्ट को सजाया गया है। और इस सजावट में कारीगरों की बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही लगन की ज़रूरत पड़ती है, खास करके एकदम एक ध्यान होकर के कारीगर बड़े शानदार तरीके से अपने आर्ट को अंजाम देते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एकदम करीने से इस आर्ट को किए जा रहे हैं। और इसमें यहाँ तक कि बहुत स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और इस आर्ट को अंजाम दिया था। तो मैं अभी कुछ आर्टिस्ट से बात करूँगा, आप लोग भी आ जाइए। ये वही आर्टिस्ट हैं, सामने आ जाइए। नमस्ते नमस्ते, आप खड़े हो जाएं। यही वो आर्टिस्ट हैं, यही वो कलाकार हैं जिनके साथ जिनकी पूरी टीम, थोड़ा और नज़दीक होकर, कि जिनकी पूरी टीम ने इस अल्पना आर्ट को जो आपके सामने हमने दिखाया और एक लंबी विजुअल दे रहा हूँ, ये बनाया था। और सीएच एरिया ये दुर्गा पूजा कमेटी जो है इसमें सपोर्ट किया और ये बहुत बेहतरीन आर्ट की प्रदर्शनी हुई। तो मैं इसमें अब इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ से आए हैं। आपका नाम पूरा क्या है? जी, मेरा नाम सूरज प्रसाद है सर। जी जी, मैं जमशेदपुर बिरसा नगर का रहने वाला हूँ। जी, ये कौन सा आर्ट आपने किया, जो रंगोली आपने बनाई या जो ये है, क्या है नाम इसका? इसको सर अल्पना बोलते हैं सर। अल्पना बोलते हैं। जी जी जी, जैसे पूजा त्योहार में घर में लोग अल्पना बनाते हैं ना दरबार के सामने। जी 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 जी, बस वही है सर। अच्छा, वही तो है। ये दुर्गा माँ का पूजा हो रहा तो उसके आगमन के लिए, उनको निमंत्रण के लिए इस तरह का बनाया जाता है। वाह, मतलब स्वागत के लिए, दुर्गा माँ को स्वागत के लिए आप लोगों ने इस चीज को बनाया है। जी सर जी सर, तो इसमें तो बहुत मेहनत, बहुत लगन की आवश्यकता पड़ती होगी। जी सर जी सर, बिल्कुल लगता है। हम लोग आज 5-6 दिन से मेहनत कर रहे हैं सर। जी, रात रात भर जग के काम किए हैं, पूरी रात रोड को क्लोज करके। दिन में तो पॉसिबल नहीं है रोड को क्लोज करना। जी जी जी, तो रात में किसी तरह से रोड क्लोज करके हम लोग रात को जग के, करीब 14-15 लोग थे जी, जिसमें लड़के लड़कियाँ सब थी और जो हमारे वेंडर थे सुमन प्रसाद वो भी थी जी, है ना, उन्हीं का काम है, फ्लेमिन आर्ट करके है। जी, तो जी, हमारे गुरु भी थे, हमारे मैम भी थे। अच्छा। और मेरी बेटी भी थी, बहुत सारे स्टूडेंट थे सर, सब मिल करके हम लोग इसको मतलब अंजाम दिए हैं सर। वाह, कुछ खासियत बताइए इस आर्ट का और इस सजावट का और इस पेंटिंग का। जी जी जी, ये खासियत यही है कि सर ये अपने जमशेदपुर क्या पूरे झारखंड में ये प्रथम बार हुआ है सर। अच्छा, ऐसा इतना बड़ा अल्पना रोड पर कभी नहीं बनाता सर। जी समझे ना, पूरे झारखंड में हमारा जमशेदपुर में सीएच एरिया में पहला बार बना है सर। जी जी जी, तो यही खासियत है सर। अच्छा, और ये ट्रेड है सर, ये उधर का क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का सर। अच्छा। कोलकाता साइड में ये बहुत ज्यादा ट्रेड है सर। अच्छा, ट्रेंड है उधर का ही, मतलब कि यहाँ का कमेटी जो है पूरे बंगाली कमेटी है। अच्छा, तो उन लोग ने इस तरह का इस ट्रेंड को शुरुआत किया। जी, 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 मतलब कि इस ट्रेंड की शुरुआत हुई और जिसमें जो है अल्पना आर्ट को बहुत बेहतर तरीके से ये किया गया आप लोगों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, बहुत। आपका नाम क्या है? कृष्णा विश्वकर्मा। अच्छा, तो कृष्णा जी, आप कितने दिनों से लगे रहे हैं इस आर्ट को करने में, पेंट को बनाने? इसको तो अभी 6 दिन हो रहा सर। 6 दिन हो गए, आपको आनंद है इस सब चीजों से? लोग देख करके, लोग देख कर क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? निराकर बारिक सर। अच्छा बारी जी, आपने जो आर्ट बनाया, लोगों का क्या भावना रहता है जब वो देखते हैं और खुश होते हैं तो आपको कैसा लगता है? एक तो पहली बात ये बोलेंगे कि रोड में अल्पना देख के एक मन में आता है कि हम इसको और साफ सुथरा रखें। जी, सफाई स्वच्छता के लिए और आदमी प्रेरित होता है। वाह वाह वाह। और उसके बाद देख के उनको भी भावना जागता है कि हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े। बराबर, इसके लिए लोकप्रियता इसमें और बढ़ती है। जी जी, यही है। बहुत अच्छा। आपका पूरा नाम क्या है? राजू मुखिया। राजू जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस अल्पना आर्ट के बारे में और जमशेदपुर के लोगों के बारे में? ये आर्ट
अल्पना यहाँ जो शुरुआत हुई है चेच एरिया कमेटी की तरफ से जी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और इस तरह का रोड में जिस तरह का जो कला का प्रदर्शन हुआ है यहाँ लोगों को बहुत प्रेरित कर रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इन सब लोगों को। मैं आपको एक बार फिर से दोबारा चाहूँगा पूरी टीम को, हालांकि इनकी टीम जो है अभी ये चार हैं लेकिन ये 14-15 की संख्या में थे, और इनकी पूरी टीम ने इस अल्पना को पूरे जमशेदपुर सीएच एरिया में पूरे रोड पर बनाया, और ये पहली बार ऐसा झारखंड में हुआ है कि बना है जैसे इन लोगों का कहना है। और इनका ये भी कहना है कि ये कलकत्ता में तो बहुत ही ज़्यादा चलता है लेकिन जमशेदपुर में बनाया गया, ये हमारे लिए जमशेदपुर की गौरव की बात है, और ख़ास करके युवा और बच्चे इसको देखकर बहुत सराह रहे हैं, और यहाँ के प्रशासन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ी मदद इन लोगों की किया। इंडिया टीवी ऑनलाइन ऐसे मुहिम को सैल्यूट करती है। नमस्कार।